टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट होता है। पहली बात है उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इम्पोर्टेंट होता है, चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहाँ तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आँख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको पांच पांच छह छह दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का, मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। तीन तलाक, कितने ही चीजों से गुजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके ऊपर क्या भरोसा करें, ये तो एक बार एक बोलते दूसरे लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था मैं सोचा था नहीं कर पा रहा हूं मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूं। मोदी जी आप भरोसे की बात करते हैं, जब भी हमारे कैमरा टीम्स जहां भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं मोदी पर भरोसा। तो हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहां पे पहले होते थे होता बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी, क्या उस लेवल पर पहुंच गए? ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूँ कि ये माँ भारती का बेटा है, ये माँ भारती का संतान है, उससे ज़्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत माँ का संतान है, माँ की सेवा कर रहा है तो इतना ही बहुत है। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था लेकिन हो गया है और जब इलेक्शन आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तुम पापी तुम पापी।
कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया इसलिए वो पापी है, बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं इसलिए आप पापी हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं से मतलब, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में यह मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई, न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया, अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था न भाजपा था न आरएसएस थी न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने, वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ जो भी है। अब ये और ये वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूत